दो मिनट के अंदर खाओ, बड़ा कूलर जीत के ले जाओ। हाँ जीत के जाऊंगा। इस बार डर तो नहीं लग रहा? नहीं डर लग रहा। संतोषी जी हमारे चैनल के सबसे बड़े चैलेंजर है। कोई बात नहीं, मैं भी सुनीता जी हूँ। तो इधर आपको क्या लगता है संतोष जी, फिर एक से डेढ़ मिनट में फिनिश वाली कूलर मैं ही ले जाऊंगी। पक्का ही कूलर आप लेके जाओगे? पक्का। चलो भाई, अगर दो मिनट से ऊपर लगता है तो नॉर्मल प्राइस रखा गया, तेल सर्फ और 500 रुपए कैश है। रेडी है? चैलेंज मंजूर है? मंजूर है। टाइम स्टार्ट करें? स्टार्ट कर दो। 3, 2, 1 स्टार्ट। और यहाँ पे हो चुका है, दोनों लोग का टाइम स्टार्ट। तो देखते हैं दो मिनट से कौन सबसे पहले खाता है, उसको मिलेगा काफी बड़ा कूलर भाई यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, दो मिनट के अंदर खाओ, बड़ा कूलर जीत के ले जाओ। इससे पहले जो एक मिनट का टारगेट दिया था तो उसमें जो है कोई जीत नहीं पाया था कूलर को, मगर इस बार दो मिनट का टारगेट दे दिया है इसलिए कि कोई ना कोई तो जीत के जाए। मगर दो मिनट से अगर एक सेकंड भी ऊपर चला गया तो प्राइस बदल जाएगा भाई, प्राइस नॉर्मल आ जाएगा। बिल्कुल सर्फ और जो है 500 रुपए कैश और दो तेल और सर्फ है भाई साहब यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। अभी 30 सेकंड का टाइम हो रहा है, आराम से भाई साहब लेग पीस का तो पता ही नहीं चल रहा, लेग पीस कहाँ गया भाई साहब दोनों का? नहीं इनका पूरा पता चल रहा है अभी, सुनीता जी का पूरा। बिल्कुल ये देखो भाई, मसल दिया पूरा। बिल्कुल उन्होंने पोटा कलेजी को गायब कर दिया, चिकन लीवर को गायब कर दिया और चिकन लेग पीस बचा हुआ है इसका। इनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, संतोषी जी का सारा ही एक में मिक्स कर चुकी है भाई। जल्दी स्पीड लगाओ दोनों लोग, क्योंकि यहाँ पे टाइमर आपका हो चुका है पूरा 54 सेकंड और यहाँ पे दिया हमने 2 मिनट का टाइम भाई साहब। आराम से कहीं ये 1.5 मिनट में ही खत्म ना कर दे, आराम से। अगर ज्यादा पहले भी जीत जाओगे तभी भी वही प्राइज मिलेगा भाई। बिल्कुल आराम से। अगर राकेश जी अगर 2 मिनट से बाद में लगाते हैं तो इनको भाई साहब मिलेगा 500 रुपए कैश और 2 तेल और सरफ मिलेगा भाई साहब यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आराम से। अभी 1 मिनट 12 सेकंड का टाइम हो रहा भाई, कौन सी रफ्तार पकड़ लिया दोनों चैलेंजर ने। सबसे बड़ा चैलेंज और बड़ा इनाम रखा गया भाई, इतना बड़ा कूलर आज तक नहीं रखा था हमने चैलेंज में, और उस चैलेंज के लिए काफी बड़ा टारगेट भी लगा दिया। राकेश जी टाइमर देखो यहाँ पे, 1 मिनट 30 सेकंड हो गया पूरा और थाली पूरी हो चुकी है गायब इनकी संतोषी जी की। आराम से भाई साहब, लंबी लंबी बाइट मार रही है काफी संतोषी जी, और लगता है कि ये पूरा महंगा जो है कूलर आज हमारे यहाँ से जाने वाला है ये। आराम से संतोषी जी, अभी 1 मिनट 40 सेकंड का टाइम हो रहा है, आराम से पूरी सफाई कैसे करेंगे राकेश जी, क्योंकि यहाँ पे काफी बड़ा कूलर का इनाम है भाई साहब ये। और ये चलिए आप अपनी रफ्तार पकड़े रहिए, क्या पता 2 मिनट से पहले खा लो तो आपको नॉर्मल प्राइस तो मिल जाए। बिल्कुल भाई, क्योंकि यहाँ पे खा लिया मत जाओ आप भी पूरा, और यहाँ पे जीत चुके हैं संतोष जी पूरा बहुत बड़ा कूलर। और ये 1 मिनट 49 सेकंड 1 मिनट 59 सेकंड के अंदर उन्होंने भी धुआं उड़ा दिया, मुंह खोल के निकला दिया, और इधर 2 मिनट से पहले खाली कर दिया भाई, और ये कूलर जीत के जा चुकी है। बताओगे संतोषी जी आपको कैसा लग रहा है, नाम जीत के काफी बड़ा कूलर जीत के बहुत अच्छा। मैंने कहा था ना मैं ही ले जाऊंगी, तो मैं ले। बिल्कुल भाई, अब मैं हारते हुए थी लेकिन आज जीत के बहुत खुशी हो रही है भाई साहब, काफी बड़ा कूलर जीत चुकी है। एक बार जाओ दोनों लोग हाथ धो के आओ पहले, अभी जो यहाँ पे दोनों लोग जो हाथ धो के आ चुके हैं, अब जो राकेश जी संतोष जी को इनाम दिया जाए भाई। बिल्कुल भाई, 2 मिनट का टारगेट दिया था दोनों चैलेंजर के लिए, 2 मिनट के अंदर दोनों चैलेंजर ने धुआं उड़ा दिया, और वादे के मुताबिक जो रखा गया था फर्स्ट प्राइज बड़ा सा कूलर और सेकंड प्राइज ये नॉर्मल प्राइज। तो फर्स्ट प्राइज आप उठाइए संतोषी जी, उठाइए संतोषी जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मैं कूलर जीत गई, मैं इतना एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भाई। भाई आप इनाम देख के तो ताकत नहीं लगाते कहीं? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी मैंने मतलब 2-3 बार से मैं हारते हुए आई थी, लेकिन मैं ठान ली थी कि मुझे जीत के जाना है भाई साहब। और इधर बात करते हैं सुनीता जी आप कैसे? मैं भी ठान के आ जाएगा, जीत के जाऊंगा, छोटा रे चाहे बड़ा सब जीत के जाऊंगा भाई साहब। और सच में जीत के गई है, 2 मिनट के अंदर इन्होंने भी धुआं उड़ा दिया है, समेट ही अपना 1 सेकंड पहले खाई थी ये। बिल्कुल, और 500 रुपए कैश भी रखा गया, उसका भी ध्यान रखिए, पूरे 500 रुपए कैश और 3 सरफ है भाई और 2 तेल है यहाँ पे। तो बताओ आपको कैसा लग रहा है फिर इनाम जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बड़े से अथी से भीड़ गई हूँ कि आज हर बार मैं जीत के जाऊँ। बिल्कुल भाई साहब, ये तो है कि इतने बड़े चैलेंजर से टक्कर ले लिया और फिर भी बराबर का टक्कर दिया, तो इसका मतलब जो है किसी भी चैलेंजर से सुनीता जी भी नहीं हारने वाली। छोड़िए साहब, कोई दोनों चैलेंजर में से कौन से चैलेंजर अच्छे लगे कमेंट में जरूर बताना। उसी के साथ अपना चैलेंजर पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग मजेदार चैलेंज में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, रवि टोल, बाय बाय। और पेज पे नए हो तो जरूर फॉलो कर लीजिए ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए।